ब्रॉन्सटेड लोरी थ्योरी एसिड और बेस के बारे में थ्योरी है, बट ये थ्योरी के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है कि ये थ्योरी बात करती है सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। ये एसिड और बेसिक नेचर बताती है किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ कहाँ पे, पोलर सॉल्वेंट में। अब बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं। सो जैसे HCl है, जो चार्ज इन पे चार्ज आते हैं, जो ब्रेक हो जाते हैं आयंस में, उनको हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर हो गया, ये भी क्या है, पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट की, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे आ जाएंगे बेंजीन, CCl4, तो ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। सो अब बात करते हैं कि ब्रॉन्सटेड लोरी कॉन्सेप्ट है क्या। तो ब्रॉन्सटेड लोरी बोलता है कि ऐसे सब्सटेंस जो पोलर सॉल्वेंट में H+ डोनेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एसिड्स। जैसे HCl है, HCl को अगर हम पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये टूटता है H+Cl- में, तो देखो इसने H+ रिलीज किया है, तो ये क्या है, ब्रॉन्सटेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड है। और अगर हम अमोनिया की बात करें, तो अमोनिया जो होता है एक H+ क्या करेगा, गेन करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन में। तो देखो अमोनियम ने क्या किया है, एक प्रोटोन को गेन किया है, ठीक है, अमोनियम ने एक प्रोटोन को गेन किया है, तो अमोनिया क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सटेड लोरी कॉन्सेप्ट, ओके। और ब्रॉन्सटेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वाटर है, वो भी एक क्या है, उसका नेचर है एम्फोटेरिक। उसका नेचर क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है वाटर का। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो H+ रिलीज भी करता है, ठीक है, और वाटर जो है वो H+ गेन भी करता है, और क्या बना लेता है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है।